कण कण में तेरा वास प्रभु, जो करे दुखों का नाश प्रभु। कण कण में तेरा वास प्रभु, जो करे दुखों का नाश प्रभु। दुनिया भर की खुशियां मेरे पास आ गई, अरे दुनिया भर की खुशियां मेरे पास आ गई। कब आई दुनिया भर की खुशियां मेरे पास प्रभु, कब आई? जब खाटू धाम की माटी मारे, खाटू धाम की माटी मारे रास आ गई। बाबा थारी धाम की माटी मारे रास आ गई। किस किस को रास है खाटू धाम की माटी? उठा लो बिल्कुल सीधी हाथ। आप ये मत समझना कि आज हम इस दरबार में बैठे हैं, क्योंकि ये छोटा मोटा दरबार नहीं है। यहाँ पे सांवरा आकर के विराजमान हो जाता है ना, तो वो फिर हाई कोर्ट नहीं रह जाता, वो फिर सुप्रीम कोर्ट बन जाता है। उठा करके दोनों हाथ ताली बजा करके एक साथ, खाटू धाम की माटी मारे रास आ गई। जब खाटू धाम की माटी मारे रास आ गई, खाटू धाम की माटी मारे रास आ गई। अब किस किसको रास आई खाटू धाम की माटी, उठाए दोनों हाथ। जी जिसको खाटू धाम की माटी रास आई, उठाओ दोनों हाथ और उस माटी के लिए जोरदार ताली बजाए। एक दो तीन चार, जय हो, बजाए ताली। ये ताली खाटू धाम की माटी के लिए। अरे वाह, बजाओ ताली। जब तक बाबा के दरबार तक नहीं पहुंच जाते, आपकी ताली बजती रहनी चाहिए। अगर बाबा से वाक्य में मिलने के लिए आए हो, बाबा के दरबार की सेवा करने के लिए आए, तो तालियों से बेहतरीन सेवा और कोई नहीं है। हाथ खोलो, ताली बजाओ। एक दो तीन चार, अरे वाह। पीछे वालों बोलो ना, आप भी शायद आपके पास कलाकार नहीं आ सकता, लेकिन बाबा तो आपके बीच में मिनटों सेकंडों में आ सकता है ना। तो सेवा आपको भी करनी है बाबा के दरबार में। हाथ खोलो, ताली बजाओ, बाबा से कहो, कोई नहीं दिखो अपनो जद तू ही नजर मन आयो, कोई नहीं दिखो अपनो जद तू ही नजर मन आयो, खाटू नगरिया बैठो जब मेरो जी घबरायो, खाटू की माटी का हमने देखा अजब नजारा, खाटू की
कभी भी चले जाना। अब तो क्या फागुन मेला, अब तो जब भी जाओ जिस भी ग्यारस में चले जाओ फागुन मेले से कम नहीं होती। हर ग्यारस में ऐसा माहौल ऐसा मंजर बना हुआ बाबा के दरबार में। जब भी फागुन मेले पे जाओ देखना एक विशेष बात, बड़े बड़े अरबपति खरबपति करोड़पति जिनके पास पैसे का अंत नहीं है प्रेमियों, जिनके आगे पीछे नौकर चाकर काम करते हैं, जो अपने घर में चम्मच तक नहीं उठाता, बड़े से बड़ा करोड़पति अरबपति खरबपति वो खाटू की गलियों में नंगे पांव सेवा कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें खाटू धाम की माटी रास आई है। उन्हें पता है कि आज अगर हम दुनिया के अंदर सेठ हैं तो किसकी वजह से सेठ हैं? बाबा शाम की वजह से सेठ हैं। तभी तो हाथों में ट्रे लेकर के घूम रहे होते हैं प्रेमी जी, पानी पी करके जाना, आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर रही है, आओ आओ प्रेमी जी भोजन लेकर के जाना, हाथ जोड़ जोड़ के प्रेमियों को बिठा रहे होते हैं। वहां वो ये थोड़ी देखते कि कौन बड़ा है, कौन लखपति है, कौन करोड़पति है और कौन कखपति है, ये नहीं देखते वो प्रेमी, बस सेवा में लग जाते हैं क्योंकि उन्हें वो दरबार से सब कुछ मिला है। इसलिए जब भी खाटू नगरी में जाओ सबसे पहले उस खाटू नगरी की माटी को उठाया करो, अपने माथे पे बहुत बड़ा सारा तिलक कर लिया करो प्रेमियों, क्योंकि उस माटी की वजह से हमें हमारा श्याम मिला है। माटी रास दिल्ली की भी आ सकती थी, माटी रास दिल्ली की भी आ सकती थी, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, भारत की राजधानी है वो। माटी रास कलकत्ता की भी आ सकती थी, क्योंकि सबसे पहले प्रभु का प्रचार प्रसार हुआ तो कलकत्ता की धरती पे हुआ। माटी रास तो कलकत्ता की भी आ सकती थी, माटी रास बॉम्बे की भी आ सकती थी, खाटू धाम की माटी रास क्यों आई? क्योंकि उस माटी के अंदर वो गुण है, उस माटी के अंदर वो ताकत है, यहाँ श्याम विराजे हैं। चुलकाना धाम के अंदर बाबा ने शीश का दान दिया और प्रकट कहा हुए जाकर के खाटू धाम की माटी में कोई ना कोई विशेष बात तो है ना उस माटी के अंदर। तो उठाओ लंबे लंबे हाथ, उस माटी के लिए हाथ कौन कौन खड़े करेगा जिसमें श्याम विराजमान है? उस माटी के लिए छोटी मोटी बात नहीं है, खाटू धाम की माटी हमारे लिए। दोनों हाथ उठा करके ताली बजे, खाटू की नगरी का हमने देखा अजब नजारा, और शाम प्रेमी को कोई मुश्किल आ जाए ये हो नहीं सकता प्रेमियों। हाथ खोलो ताली बजाओ, मैं तो खूंटी तान के बेफिक्र होकर के सो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि कारोबार मेरो सामरो चलावे, मेरी बैलेंस शीट कानूडो बनावे। और ऐसी बैलेंस शीट बनाते हैं प्रेमियों जिनमें कभी भी घाटो आवे ना, ऐसी बैलेंस शीट बनाते हैं जिसके अंदर घाटा नहीं होता, सिर्फ नफा ही नफा होता है, फायदा ही फायदा होता है। किस किस की बैलेंस शीट बनाई बाबा ने ऐसी? उठाओ दोनों हाथों को, जी जिसकी बैलेंस शीट बाबा ने ऐसी बनाई, ऐसी तैयार की, दोनों हाथों को उठाओ। दरबार में ग्यारस में चले जाते हो, चेकबुक ले जाते हो, साइन करवा करके ले आते हो, अमाउंट अपने आप भर देते हो, वो मिल जाता है।
दोनों हाथों को उठाओ बिल्कुल सीधे, और जिस जिसको मिला है, जिसकी चेकबुक बाबा ने तैयार किया, उठा करके दोनों हाथ और ताली बजाना एक साथ जोरदार। खाटू की माटी का हमने देखा आज नजारा, रेत नहीं मामूली ये तो है जीवन बूटी। मौज करूं दिन रात शाम में सोऊं तान के फूटी, मौज करूं दिन रात शाम में सोऊं तान के फूटी। होली और दिवाली मारो मास आ गई, अरे होली और दिवाली मारो मास आ गई। सुनो जो इस शहर से आए प्रेमियों वो भी गाना, और जो जिस जगह से आए हो जगह से बाबा के दरबार में अर्जी लगा दो, जिस जगह पे बैठे हो शुक्रिया अदा वाली ताली बजा करके बाबा के चरणों में, और मिल करके गा करके कह दो बाबा से, बाबा खाटू धाम की माटी और भी ऊंची आवाज हो सकती है आपकी अगर कोशिश करो तो, खाटू धाम की अरे रास आ गई। ताली बजाओ। तेरी इस पावन मिट्टी में मैं मिट्टी हो जाऊं, बोलो तेरी इस पावन मिट्टी में मैं मिट्टी हो जाऊं। पूरे भजन में चाहे कुछ ना गाना लेकिन ये लाइनें गा देना और फिर देखना बाबा के दरबार का नजारा। तेरी इस पावन मिट्टी में मैं मिट्टी हो जाऊं, तेरी इस पावन मिट्टी में मैं मिट्टी हो जाऊं। सदा सदा के लिए शाम तेरे चरणों में सो जाऊं, सदा सदा के लिए शाम तेरे चरणों में सो जाऊं। कि बाबा अगर कृपा करनी अपने प्रेमियों पर भी ऐसे करना, धन दौलत की कमी तो छोड़ता नहीं है, बस मांगने की दरकार है वो सब कुछ मिल जाता है, उसकी कमी तो रहने नहीं देता प्रेमियों। मांगना है तो ये मांगो कि जुबा पे हर घड़ी तेरा नाम आ जाए, और तेरा नाम उस वक्त मेरे काम आ जाए, झुका हो मेरा शीश तेरे दरबार में उसी वक्त मेरी मौत का लगाम आ जाए। बाबा अपने प्रेमी पे कृपा करनी तो ऐसी कर, एक जन्म तक नहीं प्रभु, सात जन्मों तक नहीं बल्कि जन्मों जन्मों तक आपके चरणों का दास बना करके रखना, कृपा करनी तो ये करना। अंत समय जब आए मेरा ग्यारस की वो शाम हो, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो। प्रेमियों श्याम नाम की चात्र तन पे अंतिम वस्त्र हमारा हो, अंतिम सफर पे जब मैं निकलूं जय श्री श्याम का नारा। एक बार प्रभु श्री श्याम का जयकारा लगा दो, कैसा लगाओगे, लगाओ जयकारा एक बार। बल काटू नरेश की, खो जाऊं मैं पंचतंत्र में जगह वो खाटू धाम हो, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो, जय जय श्री श्याम हो। तेरी इस पावन मिट्टी में मैं मिट्टी हो जाऊं, बोलो बोलो तेरी इस पावन मिट्टी में मैं मिट्टी हो जाऊं। सदा सदा के लिए शाम तेरी गोदी में सो जाऊं, सदा सदा के लिए शाम तेरी गोदी में सो जाऊं। इन भक्तों के उन भक्तों के इन भक्तों के उन भक्तों के तेरे नरसी के होठों पे ऐसी प्यास आ गई, तेरे नरसी के होठों पे इतनी प्यास आ गई।